फ्रेंड्स, पहले तो आप एक करेक्शन कर लीजिए कि जो हमने लेक्चर दिया था प्ली बार्गेनिंग पर, मेरे मुंह से निकल गया था सेक्शन 265 ए से जी तक। एक्चुअली वो पूरा एल तक है, हालांकि बाद के प्रोविजंस उतने रिलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्रोविजंस है पूरा पूरा वो सेक्शन 265 से लेकर के 265 एल तक है, वो जी तक नहीं है। अब आज हम शुरू करने वाले हैं अपील, अपील के साथ साथ रिवीजन भी, लेकिन पहले अपील समझ लीजिए। अपील है क्या? अपील के कंटेक्स्ट में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अपील कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। फ्री एंड फेयर ट्रायल तो फंडामेंटल राइट है, लेकिन अपील कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। अपील केवल एक इंस्टीट्यूटरी राइट है, एक सांविधिक अधिकार है। अगर किसी एक्ट में अपील का प्रोविजन है, आपको अपील का राइट है, तब तो अपील नहीं कर पाएंगे, और अगर राइट नहीं दिया गया है तो अपील नहीं कर पाएंगे, और अगर राइट है तभी अपील कर पाएंगे। अब सीआरपीसी में जो अपील का प्रोविजन है वो सेक्शन 272 से लेकर के सेक्शन 294 तक है। अपील बेसिकली अगर हम कैटेगराइज करें तो अपील तीन तरीके की हो सकती है। एक तो अपील अगेंस्ट कन्विक्शन। अपील अगेंस्ट कन्विक्शन का मतलब यह हुआ कि जो कन्विक्टेड है वही अग्रीव्ड होगा, तो किसी का कन्विक्शन हुआ है तो वो अपील कर सकता है। यह प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 272 से लेकर के सेक्शन 274 तक। 273 और 274 के प्रोविजंस दे आर रिलेटेड टू दी अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, मींस अपील बाय दी अक्यूज्ड हु हैव बीन कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड। दूसरा है अपील अगेंस्ट एक्विटल। तो अपील अगेंस्ट एक्विटल में अग्रीव्ड कौन होता है? अग्रीव्ड स्टेट होता है, अग्रीव्ड प्रोसिक्यूशन होता है। इसका मतलब जो अग्रीव्ड है वो विक्टिम है, विक्टिम को अपील करने का अधिकार होता है, विक्टिम के थ्रू स्टेट को अपील करने का अधिकार होता है। सेक्शन 277 एंड 278 में, तो सेक्शन 277 और 278 में अपील अगेंस्ट एक्विटल है, और 272 से 274 तक अपील अगेंस्ट कन्विक्शन है। तीसरी कैटेगरी है नो अपील। दो प्रोविजन सेक्शन 375, सेक्शन 376 में यह बताया गया है कि अपील कब नहीं होती। सॉरी, हमने शायद 275 या 276 बोल दिया है, आप उन सेक्शंस को 372, 374 या 377, 378 कर लीजिएगा, क्योंकि मोबाइल में बोलते समय जबान स्लिप कर जाती है और अकेले बोलना पड़ता है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें स्लिप कर जाती हैं और करेक्शन का कोई स्कोप नहीं होता। नेक्स्ट डे जब मैं देखता हूँ तो लगता है ये सेंटेंस में गलत बोल गया हूँ, तो आज मुझे लगता है कहीं कहीं मैं 272, 273 बोल गया हूँ, उसी जगह 372, 374 कर लीजिएगा, क्योंकि जो प्रोविज़न है वो 372 से लेकर के 394 तक है। एनीवे, तो अब यहां तीन कैटेगरी हमने बनाई, एक तो अपील अगेंस्ट कन्विक्शन सेक्शन 372 से लेकर के 374 तक, दूसरा अपील अगेंस्ट एक्विटल सेक्शन 377 एंड 378, और तीसरी कैटेगरी है जहां अपील नहीं होती, अपील हो ही नहीं सकती। तब हम आते हैं अपील अगेंस्ट कन्विक्शन। जैसा मैंने पहले ही कहा कि कन्विक्शन के अगेंस्ट में अपील जो करेगा वो अक्यूज होगा, सेंटेंसी होगा, जिसके खिलाफ सेंटेंस दिया गया है। इसलिए अपील कहां करेगा, ये पहला सवाल है। अपील जो की जाती है वो उस कोर्ट के ऊपर की कोर्ट में की जाती है,
जो कन्विक्शन करता है, जैसे अगर क्लास टू में स्टेट ने जजमेंट दिया है तो मजिस्ट्रेट क्लास वन या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के यहां अपील होगी, अगर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने जजमेंट दिया है तो सीजीएम के यहां होगी, अगर सीजीएम ने दिया है तो सेशन कोर्ट के यहां होगी या असिस्टेंट सेशन कोर्ट के यहां होगी, और अगर सेशन कोर्ट ने जजमेंट दिया है, कन्विक्शन किया है तो हाई कोर्ट में होगी, और अगर हाई कोर्ट ने कन्विक्शन किया है तो सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो ये हायरार्की ऑफ अपील होती है। अपील होती क्या है? एक्चुअली अपील की डिफिनेशन कहीं सीआरपीसी में दी नहीं गई है, लेकिन अपील एक ऐसा फिनोमेना है, अपील एक ऐसा राइट है जिसमें कोई अक्यूज्ड कन्विक्टिंग कोर्ट के सीनियर कोर्ट में अपने ग्रीवांसेस को पुटअप करता है और उससे ये प्रेयर करता है कि ट्रायल कोर्ट ने हमारे साथ कोई इलीगलिटी कमिट की है, कन्विक्शन में या सेंटेंस में या दोनों में। तो अपील का पर्पज होता है जो इलीगलिटी कमिट की जाती है ट्रायल कोर्ट में, नीचे के कोर्ट में, ऊपर की कोर्ट में, उस इलीगलिटी को करेक्ट किया जाता है, रेक्टिफाई किया जाता है। और जैसे जैसे ऊपर की कोर्ट नीचे की कोर्ट के अगेंस्ट में अपील सुनती है तो या एक्विटल करेगी या कन्विक्शन करेगी। हो सकता है नीचे की कोर्ट कन्विक्शन कर दे, ऊपर की कोर्ट एक्विटल कर दे, सेशन कोर्ट एक्विटल कर दे, फिर सेशन कोर्ट के अगेंस्ट में स्टेट जाए, फिर हाई कोर्ट कन्विक्शन कर दे, फिर वो उसके अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट जाए। तो ये अपील का पूरा जो स्टेयर है, सीढ़ी नुमा जो स्ट्रक्चर है, वन बाय वन स्टेप है, वो सुप्रीम कोर्ट तक चलता है अपील में। तो अपील की जो कन्विक्शन अपील करता है वो दो तरह का अपील होती है। एक तो सेक्शन 273 में अपील जो प्रिवेंटिव कोर्ट्स होती है, जो एक्सक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट्स होती है, उनके अगेंस्ट भी अपील होती है। तो एक्सक्यूटिव कोर्ट को पावर जजमेंट देने की तो है नहीं, अपील किस बात की होगी? तो एक्सक्यूटिव कोर्ट की पावर आप देखेंगे सेक्शन 106 से लेकर के 108 तक के कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं, जैसे ब्रीच ऑफ पीस है, कोई आदमी कहीं छुपा हुआ है, कंसील्ड है, या हैबिचुअल ऑफेंडर है, या किसी कन्विक्शन हो गया है, कोर्ट को डर है कि वो हंगामा करेगा रास्ते में, उससे गारंटी लेता है इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड। तो सेक्शन 106 से लेकर के 110 तक के प्रोविजंस एक्सक्यूशन ऑफ बॉन्ड से रिलेटेड हैं। बॉन्ड भरवाया जाता है, एक्सक्यूटिव मजिस्ट्रेट भरवाता है 107 से लेकर के 110 में, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट बॉन्ड लेता है, सिक्योरिटी लेता है 106 में। तो दो तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, एक तो सेक्शन 106 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट लेता है जब कन्विक्शन करता है, जब सेंटेंस देता है, तो उसे कंडक्ट को इंश्योर करने के लिए कि वो ब्रीच ऑफ पीस नहीं करेगा। 107 से लेकर के 110 तक बॉन्ड एक्सक्यूट करने की पावर दी गई है एक्सक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को, कुछ अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो जब एक्सक्यूटिव मजिस्ट्रेट बॉन्ड लेता है तो या तो विद श्योरिटी लेगा या विदाउट श्योरिटी लेगा। अब बॉन्ड का जो टर्म होता है वो 1 year to 3 year होता है, इस चैप्टर को लेंगे जब अलग डिस्कस करेंगे। 1 साल से लेकर के 3 साल तक बॉन्ड का पीरियड होता है। इसका अर्थ ये होता है कि अगर इसके बीच में आपने जो बॉन्ड भरा है, बॉन्ड को वायलेट किया है, पीस का जो कंडीशन आपसे ली गई थी आपने उसे तोड़ा है, तो आपको इन पीरियड तक के लिए जेल में रखा जा सकता है। अब जो ऑर्डर देने की पावर होती है ब्रीच ऑफ पीस के अगेंस्ट में, वो पावर एक्सक्यूटिव मजिस्ट्रेट को होती है। तो जब एक्सक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है तो दो प्रोविजन है इसमें, सेक्शन 117 और सेक्शन 121। सेक्शन 117 में है कि अगर बॉन्ड भराया, गलत भराया,
या हमने प्रेयर किया कि बॉन्ड ना भराइए, भरा लिया आपने, या ड्यूरेशन लंबा दे दिया, 2 साल 3 ढाई साल 3 साल जगह आपने मैक्सिमम 3 साल कर दिया, जबकि 3 साल का पीरियड मैक्सिमम है। तो ऐसे कंडीशन में जो अग्रीव्ड होता है वो सेशन कोर्ट में अपील करता है, ध्यान रहे सेशन कोर्ट में। तो जो 117 और 121 में क्या होता है कि सिक्योरिटी अगर ज्यादा आपने ले ली, मान लीजिए 5000 सिक्योरिटी लेना चाहिए था आपने 10000 ले ली, तो आप अपील कर सकते हैं सेशन कोर्ट के सामने कि आप सिक्योरिटी ज्यादा ले लिया है। तो सेक्शन 106 से लेकर के 110 में जो बॉन्ड एक्सक्यूट होता है, उस एक्सक्यूशन की पावर एग्जीक्यूटिव कोर्ट को होती है 117 में एक्सेप्ट करने की और 21 में रिजेक्ट करने की। तो एक्सेप्टेंस, गलत एक्सेप्टेंस, अगर लिमिटेड पीरियड ज्यादा हो गया बॉन्ड का उसके अगेंस्ट में, या सिक्योरिटी ज्यादा हो गई तो उसके अगेंस्ट में आपको पावर है सेशन कोर्ट में जाने की। ये प्रोविजन दिया गया सेक्शन 372 में इतना ही कहा गया है कि अपील का राइट एग्जीक्यूटरी राइट है। अगर एग्जीक्यूटरी ने आपको राइट दिया है, कानून अधिकार दिया है, तभी आप अपील कर सकते हैं। 372 में प्रोविजन जोड़ा गया 2005 में, जिसमें विक्टिम को भी राइट दे दिया गया अपील करने का, पहले राइट ये नहीं था, तो ये विक्टिम को भी राइट उसमें दे दिया गया है सेक्शन 372 में। 373 में अपील अगेंस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड्स। 274 एक्चुअल सेक्शन है जिसमें हम जाते हैं अपील अगेंस्ट जजमेंट। जजमेंट मीन्स जजमेंट बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट, जो भी कोर्ट हो। तो जब कन्विक्शन इनमें से किसी कोर्ट से होता है तो इसकी ऊपर की कोर्ट में अपील होती है अंडर सेक्शन 374 में। फिर 377 और 378 क्या है? 377 वहां इन्वॉल्व होता, वहां लागू होता है जहां प्रोसिक्यूशन ने जो सेंटेंस, या तो कन्विक्शन मांगा, कन्विक्शन नहीं दिया कोर्ट ने, अक्यूज को छोड़ दिया, अक्विट कर दिया, या तो हो सकता सेंटेंस कम दिया हो, तो सेक्शन 377 वहां लागू होता है जहां सेंटेंस कम दिया हो। तो 377 में कोर्ट जाती है स्टेट मींस प्रोसिक्यूशन, और जब प्रोसिक्यूशन स्टेट मींस स्टेट जब जाएगी, तो अगर स्टेट का मैटर होगा तो स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए, अगर सेशन कोर्ट में अपील करना है तो डीएम की परमिशन चाहिए। डीएम की परमिशन के लिए तभी जरूरत पड़ती है जब वो कॉग्निजेबल हो और नॉन बिलेबल हो, और अगर हाई कोर्ट में अपील करना हो तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, मतलब हायर अथॉरिटी की परमिशन चाहिए अगेंस्ट एक्यूटर। तो अगेंस्ट एक्यूटर प्रोसिक्यूशन जाता है कि अगेंस्ट सेंटेंस, सेंटेंस कम दिया गया है तो सेंटेंस को बढ़ाने के लिए प्रोसिक्यूशन जाता है हायर कोर्ट में, सेशन कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, जहां भी जहां से कन्विक्शन हुआ हो उसके ऊपर की कोर्ट। सेक्शन 378 अप्लाई होता वहां जहां टोटली एक्विटल हो गया है, तो सेक्शन 377 वहां अप्लाई करता है जहां सेंटेंस की जो डिमांड प्रोसिक्यूशन ने की है उसकी डिमांड को कंसीड न करके सेंटेंस कम दिया गया है। तो कोर्ट में प्रोसिक्यूशन जाएगा जब सेंटेंस को बढ़ाना होगा, और सेक्शन 377 में जब कोर्ट ने टोटल एक्विटल दे दिया गया है तो एक्विटल को कन्विक्शन में कन्वर्ट करने के लिए स्टेट मींस प्रोसिक्यूशन फिर जाएगी। तो अगर स्टेट का मैटर है तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट परमिशन देगी, अगर जैसे सीबीआई का मैटर है या सेंट्रल लॉ का मैटर है जिसमें सेंट्रल लॉ इन्वॉल्व है तो सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देती है उसमें। अब 377 और 378 में दो चीजें इंपॉर्टेंट इसमें होती है, बाकी तो जनरल सब है। अब इसमें आपने देखा कि सेक्शन 374 में कोई अपील का टाइम नहीं दिया गया कन्विक्शन को अगेंस्ट दी अक्यूज्ड, अगर अक्यूज्ड हायर कोर्ट में जाना चाहे तो कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, देयर शुड बी रीजनेबल टाइम लिमिट, क्योंकि वो अग्रीव्ड है, उसका कन्विक्शन हुआ है, उसे थोड़ी मार्जिन
दी गई है, लेकिन अपील अगेंस्ट एक्विटल में या सेंटेंस में टाइम लिमिट फ्रेम कर दिया गया है, स्टेट के पास अनलिमिटेड राइट नहीं होता अपील में जाने का, या विक्टिम के पास अनलिमिटेड राइट नहीं होता, टाइम फ्रेम है। वो टाइम फ्रेम क्या है कि अगर विक्टिम जाए या इंडिविजुअल जाए, तो जब भी जजमेंट दिया गया है इंडिविजुअल केस में, अपील का टाइम होता 60 डेज, 60 दिन के भीतर अपील कर देना चाहिए जजमेंट आने के बाद, जजमेंट की डेट से 60 डेज। और अगर कंप्लेनेंट कोई पब्लिक सर्वेंट है तब अपील का टाइम उसे कुछ ज्यादा मिलता है, उसके लिए टाइम होता 6 महीने का 6 मंथ्स। तो ऑर्डिनरी पर्सन के कंटेक्स्ट में अगर कंप्लेनेंट इंडिविजुअल है तो उसके लिए 60 डेज टाइम, और अगर वो स्टेट है मतलब अगर पुलिस ऑफिसर है कंप्लेंट है या पब्लिक सर्वेंट ही कंप्लेंट है उसके लिए 6 मंथ्स टाइम पूरा मिलता है, ज्यादा मिलता है इसे लेने करके। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और हाँ, अगर हाई कोर्ट में अपील करेंगे अगेंस्ट एक्विटल तो हाई कोर्ट की लीव लेनी पड़ेगी, हाई कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी अगेंस्ट एक्विटल हाई कोर्ट में अपील हो सकती है। अब तीसरी कैटेगरी, दो कैटेगरी हमने क्लियर कर ली, सेक्शन 372(3) और (4), दूसरी कैटेगरी सेक्शन 377, 378। अब तीसरी कैटेगरी है जहां अपील होते ही नहीं है, क्योंकि कहानी वही है कि सेंटेंस इतना कम है कि हायर कोर्ट में जाने का कोई सेंस नहीं बनता। अब ये दो सेक्शन 375 में क्या है, प्लीड्स गिल्टी। अगर आप याद करें तो ट्रायल में मैंने बताया था कि कोर्ट को पावर होती है, अक्यूज अगर अपनी गिल्ट प्लीड कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो भी उसका कन्विक्शन कर देता है। लेकिन क्योंकि अक्यूज के अपील पर ही अक्यूज खुद ही अपना गिल्ट प्लीड करता है, इसलिए अपने पांव पर जब उसने खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, खुद ही उसने एक तरीके से कम्प्रोमाइज किया है, तो यहां रोका गया है अपील में जाने से सेक्शन 375 में। सेक्शन 375 में कहा गया है कि अगर हाई कोर्ट ने कन्विक्शन किया है प्लीड्स गिल्टी के बेसिस पर और सेंटेंस की क्वांटम 6 मंथ्स या उससे कम हो, 6 महीना या उससे कम हो, तो अपील हाई कोर्ट तो वह ऊपर कोर्ट में मतलब सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं होगी। अगर हाई कोर्ट से नीचे की कोर्ट है, सेशन कोर्ट ने सेंटेंस दिया है 3 महीने का या उसे कम का, तो 3 महीने से कम का सेंटेंस अगर प्लीड्स गिल्टी की बेसिस पर देता है तो उसकी अपील नहीं होती, या 3 महीने का सेंटेंस हो या मैक्सिमम 1,000 फाइन हो, जुर्माना हो। निजी की कोर्ट में अगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट है और उसने सेंटेंस दिया 100 रुपये उसे कम, या क्लास सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हो उसने केवल 200 रुपये तक जुर्माना दिया हो, तो उसकी अपील नहीं होगी। हालांकि देखिए लास्ट के दोनों प्रोविजंस जिसमें मजिस्ट्रेट को 100 रुपया और या 200 रुपये जुर्माना देने की प्रोविजन दिया गया है, ये बेकार प्रोविजन हो चुके हैं। 100 रुपया 200 रुपया कोई माने नहीं रखता आज तक। तो वर्चुअली देखेंगे प्लीड्स गिल्टी के बेसिस पर हाई कोर्ट अगर सेंटेंस देता है, कन्विक्शन करता है, और प्लीड्स गिल्टी के बेसिस पर अगर सेशन कोर्ट सेंटेंस देता है तो हाई कोर्ट का 6 महीना और सेशन कोर्ट का मैक्सिमम 3 महीने या उसे कम का अगर सेंटेंस दिया है तो अपील नहीं होती। अब दूसरा प्रोविजन है सेक्शन 376 में, जहां अपील नहीं होती, तो ये पेटी मैटर्स होते हैं, छोटे छोटे मामले होते हैं, उनके खिलाफ इसलिए रोका गया है ताकि कोर्ट में ज्यादा भीड़ ना हो। अब फिर इन तीन कैटेगरी के बाद हम ये देख रहे हैं कि दो इंपॉर्टेंट प्रोविजन और भी है, सेक्शन 392, सेक्शन
टू में अगर कोर्ट में था हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट में कोई मैटर है और कन्विक्शन किया गया है, कोर्ट इक्वली डिवाइडेड है, जैसे मान लीजिए कि दो जजेस की बेंच है और एक एक जजेस एक एक तरफ हो गए हैं, इक्वली डिवाइडेड है, या चार जजेस हैं दो दो तरफ हो गए हैं, तो जजमेंट तो निकला नहीं है। तो ऐसे केसेस में मैटर ऊपर की उसी कोर्ट में किसी और जज को रिफर कर दिया जाता है थ्रू सीजे, और जो उसकी ओपिनियन होती है या उसके ओपिनियन के बेसिस पर जजमेंट कर दिया जाता है, या फिर वो बड़ी बेंच को डिवीजन बेंच को रिफर कर दिया जाता है। फिर सेक्शन थ्री, ये था सेक्शन 392। अब सेक्शन 393 और 394 में होता है कि अगर कन्विक्शन अक्विटल हो जाता है तो अपील अबेट हो जाती है, अपील नहीं होती। लेकिन अगर अग्रीव्ड है, कन्विक्शन किया गया है, कन्विक्शन हुआ है, तो जो अग्रीव्ड होगा वो चाहे तो ऊपर की कोर्ट में अपील कर सकता है, क्योंकि उसे ऐसा इसलिए हो सकता है कि क्वेश्चन प्रेस्टिज का होता है, जिसके ऊपर चार्ज लगा है उसका एक्विटल कराना होगा ऊपर कोर्ट से, इसलिए वो मैटर अबेट नहीं होता अगर कोई रिलेटिव उसका नियर रिलेटिव 30 दिन के भीतर भीतर अगर कोर्ट के सामने वो एक लिस्ट दे देता है, साहब हमने उसके प्रतिनिधि हैं और हम उस अपील को कंटिन्यू करना चाहते हैं, अबेट नहीं होगा। ओके, थैंक यू, कल डिस्कस करेंगे इससे आगे।